नौटियाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रीन आर्मी, उनको निवेदन करता हूँ आप आए और दो मिनट के अंदर अपनी बात को समाप्त करेंगे। माननीय मंजू सिंह नौटियाल जी, इन्होंने भी अपना लिख कर समर्थन किया इस आंदोलन को, तो मैं इनको निवेदन करता हूँ। जय भीम, इतनी कम आवाज़ में बोलो तो ये एकदम कैसे हटेगी। हम बहुजन समाज के लोग हैं, लग जाना चाहिए सरकार को पता कि हमने अन्य के खिलाफ पहले भी लड़ाई लड़ी है और आज फिर अन्य के और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बहुजन समाज के लोग दिल्ली जंतर मंतर पर आए हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान। सबसे पहले देश के सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए और यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को क्रांतिकारी जय भीम सैल्यूट करते हुए और हमारे सम्मानित मावन मेश्राम जी एवं दूर दूर से पूरे देश से आए हुए ईवीएम मशीन के विरोध में आप सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत सम्मान करते हुए। सम्मानित साथियों, आप लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र इतना खतरे में हो गया है कि यहाँ एक फर्जी सर्किट से चुनाव कराया जा रहा है, लेकिन आज जंतर मंतर पर ये बहुजन समाज के लोग ये संकल्प लेते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बहुजन समाज के लोग कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। और भीम आर्मी जय भीम संगठन की एक कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से मैं दिल्ली की सड़कों पर यह वादा कर रहा हूँ कि इस बार हम लोग वोट ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से देंगे। याद रखना बहुजन समाज के लोगों, अगर लोकतंत्र नहीं बच पाया तो न तुम्हारे अधिकारी रहेंगे, न तुम्हारा कोई सदस्य सदन में जाएगा, और जब तुम्हारा कोई सदस्य सदन में नहीं जाएगा तो आपकी आवाज कैसे सुनी जाएगी। और वो यही साजिश है उन लोगों की कि फर्जी सर्किट से चुनाव करा के वो लोग हमें सदन में से जाने से रोक रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ और ये अपील भी करता हूँ कि हम एक हाथ में आधार कार्ड और एक हाथ में हथौड़ा लेकर ईवीएम को तोड़ने के लिए आपकी बार वोटिंग बूथ पर पहुंचेंगे। ईवीएम से वोट नहीं डरेगा, अगर वोट डरेगा तो बैलेट पेपर से डरेगा। तो बस दो नारों के साथ मैं अपनी बात को भी विराम दूंगा। वोट कैसे डरेगा, वोट कैसे डरेगा, वोट कैसे डरेगा। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।